हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है डे टू में किसके PYQ ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, सो जल्दी से रेडी हो जाइए, अपने पेन पेपर उठा लीजिए जो भी आपको करना है एंड लेट्स स्टार्ट। सो आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है ये ऑन थ्योरीज, ठीक है, थ्योरी के ऊपर है। मैं पहले ही बता रही हूँ ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हमने थ्योरीज पढ़ी है। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब कि उच्चतम कैटेगरी पे कौन सा कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, अफेक्टिव भावनात्मक या साइकोमोटर या फिर क्रियानात्मक, इनमें से कौन सा है ये, ठीक है, सबसे उच्चतम वाला बताना है, किस किस का, कॉग्निटिव का, अफेक्टिव का एंड साइकोमोटर, तीनों का बताना है, ठीक है। सो एनालिसिस है यानी कि विश्लेषण है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन है, अवेयरनेस है मतलब कि भाई हम अवेयर हैं कि नहीं है, कैरेक्टराइजेशन है उसका कि भाई हमें वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सही है ना, कैरेक्टराइजेशन भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, कि रस ग्रहण बेसिकली जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन है या नेचुरलाइजेशन, स्वाभाविक हो गया है हमारे लिए वो। सो जल्दी जल्दी बताइए कि क्या है, आप अपने आंसर्स दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में एंड बाद में चेक कर सकते हैं जब मैं अभी बताऊंगी इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग को। अगर आपको कोई हिंट चाहिए तो ये है हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा हिंट दिया मैंने आपको। एंड जिन भी लोगों ने सेकंड ऑप्शन को बोला सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपका BDE, इवैल्यूएशन कैरेक्टराइजेशन एंड नेचुरलाइजेशन, यानी कि हमारे का हमारा मूल्यांकन है किसके लिए, हमारा कॉग्निटिव जो हमारा ज्ञानात्मक होता है या हम उसको संज्ञानात्मक भी बोलते हैं, अफेक्टिव यानी कि भावनात्मक, हमारा कैरेक्टराइजेशन जिसमें हम रस ग्रहण कर लेते हैं, हमारे कैरेक्टर में ही आ जाता है वो, रस ग्रहण को बोलते हैं उसे, साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक डोमेन के अंदर, नेचुरलाइजेशन यानी कि सहजीकरण, स्वाभाविक आ जाना हमारे अंदर, ठीक है। सो ये हमारे BDE बिल्कुल सही जवाब है। सो ब्लूम जी क्या कहते हैं, उन्होंने डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन बताए हमें, ठीक है, क्या बताए उन्होंने, बोला कि तीन टाइप से हमारे लर्निंग हमारी डिवाइड हो सकती है, किस किस डोमेन में, उन्होंने बताया तीन डोमेन बताए, पहला कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी कि भावनात्मक और साइकोमोटर यानी कि क्रियानात्मक, ये तीन उन्होंने डोमेन बताए, ठीक है। मेटाकॉग्निटिव बाद में आके ऐड हुआ, ये भी हम देखेंगे, बट मेन तीन ही है, ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। कॉग्निटिव के अंदर उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले नॉलेज होती है, ठीक है, लो लेवल, तीन लेवल में डिवाइड किया, नॉलेज, एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले हमें उस चीज़ की नॉलेज है नहीं है, हम उस नॉलेज को गेन करके उसे अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, एंड देन नेक्स्ट इज कि हम अब सेम जो हमने नॉलेज करी अप्लाई करके हम उससे अपनी प्रॉब्लम कोई और सिमिलर सिचुएशन में या डिफरेंट सिचुएशन में उसी चीज़ को अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। सो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो हायर एंड पे जाएगा, एप्लीकेशन इंटरमीडिएट लेवल पे जाएगा एंड जो लो लेवल पे जाएगा सबसे उच्च जो नीचा वाला स्तर है उस पर नॉलेज जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे उच्च वाले कौन से, उसके अंदर है हमारा इवैल्यूएशन जो कि मूल्यांकन है, नेचुरलाइजेशन सहजीकरण या स्वाभाविक आ जाना हमारे अंदर, या फिर कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, रस ग्रहण भी हम इसे कह सकते हैं, और एक और क्वेश्चन भी आ सकता है इसके अंदर। अब इस बार एक बार आया कि भाई हाई लेवल वाले बताओ, अगली बार आ गया कि लो लेवल वाले बताओ, तो उसमें क्या आएंगे, नॉलेज से रिलेटेड, याद रखिएगा नॉलेज से रिलेटेड, तो वो क्या क्या होंगे, नॉलेज होगी, इमिटेशन मतलब कि हम पहले देख के, साइकोमोटर क्रिया से रिलेटेड है ना, सो क्रिया में हम जब कुछ करते हैं, अगर हम रोटी बनाना भी सीखते हैं तो हम सबसे पहले अपनी मम्मा को देखते हैं घर पे कि वो कैसे रोटी बनाती हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा वो ऐसे ऐसे हाथ चलाती है तो हम भी ऐसे ऐसे हाथ चलाएं, तो वो क्या है, इमिटेशन है, नकल करने का स्टेज है, क्रिया के लिए सबसे पहले हम सामने वाले को देखेंगे और सेम टू सेम
वैसा करने का ट्राई करेंगे। फिर आता है रिसीविंग अफेक्टिव, भावनात्मक में क्या आता है, सबसे पहले हम रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, कोई भी हमारे को मिल रही है तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले रिसीव करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन, कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज के बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन, जो भी हमें नॉलेज मिली है ना, हम उसको कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसको कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, वही है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। दूसरी स्टेज मैंने आपको बताई एप्लीकेशन, क्या मैं इसे जो मैंने नॉलेज गेन करी मैं इसे कहीं और अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं अप्लाई कर पा रही, तो ये क्या है हमारा एप्लीकेशन स्टेज है। फिर एनालिसिस, अब मैं क्या करूँगी इसका एनालिसिस, उसको एनालाइज करूंगी कि क्या ये सही है क्या ये सही नहीं है, उसका विश्लेषण होगा पूरा अच्छे से, ठीक है। सो विश्लेषण करना ही क्या है, एनालिसिस है। फिर उसके बाद एनालिसिस के बाद क्या करेंगे हम, सिंथेसिस, जो मैंने उसका विश्लेषण किया उसको भागों में बांट दिया। एनालिसिस में क्या करते हैं, बेसिकली हम कंपेयर करते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सिंथेसिस में क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, जो मैंने कंपेयर करी उससे जो रिजल्ट निकाला उसको मैं एक माइंड मैपिंग की तरह, जैसे आज हमने क्लास में जो पढ़ा था कि माइंड मैपिंग हुई है, सो उसकी तरह उसको हम सिंथेसिस करेंगे, इकट्ठा करेंगे उसको और फिर उसका मूल्यांकन करेंगे सबसे एंड में। मूल्यांकन से क्या होगा, हम कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे, इस मूल्यांकन के बाद हम कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकोमोटर, यानी कि क्रिया करके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसमें इमिटेशन, नकल उतारते हैं, फिर क्या करते हैं उसमें हम मैन्युपुलेशन करते हैं, अपने हिसाब से उसको कार्य करते हैं, ठीक है। सो इमिटेशन इज देखना, फिर उस कार्य को एक्चुअल करना अपने हिसाब से, उसी को हम क्या कहते हैं, मैन्युपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनिपुलेशन के बाद हमारा प्रिसीशन, अब मैं करती रहूंगी तो प्रिसीशन आ जाएगा ना मेरे अंदर कि हाँ भाई बिल्कुल एकदम बढ़िया प्रिसाइज तरीके से कर पा रहे हैं हम उसे। फिर आता है आर्टिक्यूलेशन, क्या मैं उसे दोबारा से कहीं रिप्रोड्यूस कर पा रही हूँ उस चीज़ को, क्या मैं दोबारा से किसी और को वो पढ़ा पा रही हूँ, क्या मैं दोबारा से वो चीज़ कर पा रही हूँ, हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टिक्यूलेशन, इसको मैं आर्टिक्यूलेट कर पा रही हूँ, वापस से फिर से कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही। एक बार तो सब्जी बढ़िया बन गई मैन्युपुलेट करके, और क्या हर बार बढ़िया बना पा रही हूँ, नहीं बना पा रही, तो ये क्या है, आर्टिक्यूलेशन है। फिर आता है नेचुरलाइजेशन, अब मेरी आदत में ही आ गया है, ठीक है, स्वाभाविक ही हो गया है कि मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरी तो दाल ऐसी ही बनती है और इतनी ही टेस्टी बनती है, क्योंकि मैंने उसे इतनी बार प्रैक्टिस किया है कि इतना प्रिसिशन आ गया है मेरे अंदर कि अब मेरी स्वाभाविक सहजता में ही आ गया है वो कि ऐसे ही करना है, ठीक है। सो ये हमारा साइकोमोटर, यानी कि हमारे भावनात्मक उद्देश्य जो होते हैं, नहीं जो क्रियानात्मक होते हैं, सॉरी। फिर आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन क्या होते हैं, जो हमारे भावनात्मक होते हैं, ठीक है, हमारी भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। सो है सबसे पहले रिसीव, हम सबसे पहले रिसीव करते हैं, अनुकरण करते हैं, ठीक है। फिर करते हैं रिस्पोंड, यानी कि अनुक्रिया, हम उसको उसका जवाब देते हैं, अनुक्रिया करते हैं, है ना। रिस्पोंड के बाद क्या करते हैं, हम वैल्यूइंग करते हैं, मतलब कि अनुमूल्यन उसका देखते हैं कि अच्छा ये ऐसे वैल्यू कर रहा है, ये तो उसने जो बोला वो इतने उसकी बात में इतना वजन था, आपस में देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो क्या है, अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। फिर ऑर्गेनाइजेशन, अपने सारे आइडियाज जो हमने कंपेयर करे उनका संगठन करते हैं, क्या ये सिंथेसिस से मैच हो रहा है, जी हाँ ये सिंथेसिस से मैच हो रहा है। फिर हमने उसका और कर लिया ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद वो हमारे कैरेक्टर में ही आ गया, हमने उसका रस ग्रहण कर लिया, अब वो हमारे कैरेक्टराइजेशन हो गया, उसको वो हमारे कैरेक्टर में ही आ गया है। आई होप ये आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको दूसरी बताती हूँ, एक और तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं, कॉग्निटिव वाले डोमेन को। क्रिएट करना यानी कि सृजन करना, हमारी जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उससे कुछ ना कुछ नया 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 क्रिएट करना, डेवलप करनी नई चीज़ों को, उनको कंस्ट्रक्ट करना नई नई चीज़ों को। फिर हम उसे इवैल्यूएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, कि क्या क्या जज करते हैं उसके बेसिस पे, असेस करते हैं उसे, प्रायोरिटाइज करते हैं, रिकमेंड करते हैं, ये सब किसके अंदर आता है, हमारा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के अंदर आता है। फिर आता है एनालाइज, उसका विश्लेषण करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, उसको कैटेगरीज में बांटते हैं। नेक्स्ट आता है अप्लाई, उसको लागू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं बेसिकली उसे। फिर आता है अंडरस्टैंड, उसका मीनिंग हमें कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, उसका रूट कॉज क्या है, वो हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। फिर है रिमेंबर, याद,
क्या हम वो याद करके वापस से रिपीट कर पा रहे हैं? जैसे कि मैंने बोला इमिटेट कर लिया, मैनिपुलेशन कर लिया, क्या मैं बार बार उसी चीज को आर्टिकुलेट कर पा रही हूँ? ठीक है, तो वो क्या है? रिमेम्बर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पियाजे की स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के चरण पियाजे जी ने दिए। किसने दिए? हमारे पियाजे जी ने दिए थे, चार दिए थे, लिखे हैं यहाँ पर चारों। सेंसरी मोटर लिखा है, ठीक है, और प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, चारों ही यहाँ पर लिखे हैं। देखते हैं कौन कितना कर पाएगा, कि कौन सा कितनी एज का है। मैंने आपके लिए ये थोड़ा कर दिया है, इसे मैंने जूम इन कर दिया आपके लिए। पढ़िए जल्दी से और सोचिए कि कौन सा किसे मैच कर सकता है। ठीक है, देखते हैं आज कौन सही जवाब देने वाला है। सो आप प्लीज जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं देखूंगी आप सबके जवाब। ठीक है, सो इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब है डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। सो फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? सेंसरी मोटर जो है वो कौन सी एज है? 0 to 2 years तक होती है। प्री ऑपरेशनल एज जो है वो 7 साल, मतलब 2 से 7 साल तक होती है। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो है वो 7 से 11 साल तक होती है। अनफॉर्मल ऑपरेशनल जब हम एडोलेसेंस से अडल्टहुड में जाते हैं, ठीक है, मतलब कि किशोरी अवस्था से हम अपना युवावस्था में जाते हैं। ठीक है, सो पियाजे, जेन पियाजे जी ने दी थी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास मतलब कि हमारा। सो वो कौन सी 4 स्टेजेस हैं? सेंसरी मोटर मतलब कि संवेदी गामक अवस्था, फिर आती है प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, फिर आती है कॉन्क्रीट मूत्र संक्रियात्मक, और फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, सो सबसे पहले सेंसरी मोटर, हम छोटे होते हैं 0 to 2 years old के होते हैं। ठीक है, 0 to 2 years old में क्या होता है कि हम अपने कोऑर्डिनेशन बिठा रहे होते हैं सेंसेस के साथ। ठीक है, हम सीख रहे होते हैं, लैंग्वेज देख रहे होते हैं, एनवायरमेंट के साथ हम अपने कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, कि हमारे एनवायरमेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं, कि अच्छा टेक्सचर्स देख रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि अच्छा इस पेन का टेक्सचर अलग है, राइट, बल्कि इस फोन का टेक्सचर अलग है। ठीक है, अलग सरफेसेस का टेक्सचर अलग अलग है, तो वो क्या है? हमारा सेंसरी मोटर, 0 to 2 साल तक के बच्चे होते हैं। फिर आता है प्री ऑपरेशनल, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक जो हमारी होती है। ठीक है, सो इसके अंदर हम सिम्बॉलिक थिंकिंग, ठीक है, हम अपने जो है सेंटेंसेस फॉर्म करना शुरू हो जाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, बच्चा बोल रहा है, इमेजिनेशन इंट्यूशन थोड़ी उसकी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स अभी भी उसके लिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट कॉन्वर्जेशन डेवलप हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि वो बड़े तौर पे नहीं सोच पाता किसी भी चीज को। ठीक है, फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूत्र संक्रियात्मक जो होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है? 7 से 11 साल तक के बच्चों के लिए होता है ये। अब ये क्या है? कॉन्क्रीट सॉल्यूशन, जैसे कि अब हम मैथ्स भी सीख रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट आइडियाज भी सीख रहा है, कि अच्छा ये स्काई है तो ये ब्लू क्यों है, उसके थॉट्स बड़े हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, स्पेस को समझ रहा है, कि ये स्टार्स होते हैं, ये अच्छा ये क्यों होते हैं, ये सब चीज़ों को समझ रहा है, इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट को समझ की क्षमता रखता है। ठीक है, फिर आता है 11 से ऊपर, वो हमारे होते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो जाती है, हम सोचने लगते हैं, लॉजिक तर्क वितर्क करने लगते हैं 11 साल के बाद, स्ट्रेटजी आ जाती है, प्लानिंग आ जाती है। ठीक है, फिर आता है कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट में अगर हमने एक कॉन्टेक्स्ट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हम उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसमें? फॉर्मल ऑपरेशनल में। ठीक है, आई होप आपको जेन पियाजे जी की स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्लियर हो गई होंगी। इसमें कोई किसी को डाउट होगा तो प्लीज विकास के जो हमारे संज्ञानात्मक विकास के चरण है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर और क्वेश्चन लाऊंगी और हम इसके ऊपर और थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे वाह, वेरी गुड, ये तो मैंने अभी बताई है। पियाजे जी की थ्योरी पे एक और क्वेश्चन आ गया,
वेरी गुड, मतलब पियाजे जी की थ्योरी क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस आएंगे, इसे इम्पोर्टेंट लिख लो अपने नोटबुक्स में, जहाँ पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं इसे इम्पोर्टेंट लिख लीजिए प्लीज। सो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे की स्टेजेस के अकॉर्डिंग, पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज एंड बिगिंस टू यूज अ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसकी पूर्व जो स्टेज है उसके अंदर, पूर्व संचालन स्टेज जो है उसका, उसके अंदर वो वस्तुओं को देखता है, सिंबल को देखता है, लैंग्वेज लर्न करने का ट्राई करता है, तो वो क्या प्री ऑपरेशनल है, पूर्व संचालन स्टेज है, या फिर ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि पियाजे जी की थ्योरी क्या कहती है कि चाइल्ड ना रिफ्लेक्सेस के थ्रू लर्न करता है, मूवमेंट एक्शंस के थ्रू, ठीक है, इंद्रियों के थ्रू और अपने एनवायरनमेंट के थ्रू लर्न करता है, तो वो कौन सा है, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, सोच के बोलना, सोच के बोलना क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल एकदम, अभी पढ़ाया है ये मैंने सब कुछ, ईच एंड एवरी लाइन वॉज देयर, सेम टू सेम लाइन भी थी। देखते हैं कौन इसका जवाब सही दे पाता है। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब है, बिल्कुल जिसने 3 दिया है उसका जवाब बिल्कुल सही है कि ये तो हमारी पूर्व संचालन स्टेज होती है, बट ये हमारी फॉर्मल ऑपरेशन नहीं होती, ये कौन सी हमारी होती है, सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज होती है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने देखा था ना कि कौन सी है, संवेदी गामक अवस्था है ये सेंसरी मोटर, जब जो चाइल्ड है वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करना शुरू हो जाता है, 0 से 2 साल तक के बच्चे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कि भाई जो हमारा ब्रेन है वो हमारे अडोलेसेंस, जो हमारी किशोरी अवस्था है, बचपन, सबके थ्रू डेवलप करता है। ठीक है, देखते हैं, दिमाग तो हमारा आज तक डेवलप करता है, अब बताना है आपको कि ये सही है कि नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि जो लॉजिकल और गोल ओरिएंटेड एक्शंस है ना वो हमारे सेंसरी मोटर पीरियड में हो जाते हैं, बिगिन हो जाते हैं, शुरुआत हो जाती है उनकी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना और इसका जवाब दीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ के इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो जिसने भी इसका आंसर 1 दिया है वो एकदम सही है, जो हमारा सेंसरी मोटर एज होता है, जो सबसे पहला 0 to 2 years, उसमें हम अपने गोल डायरेक्टेड एक्शंस को बिगिन कर देते हैं, लक्ष्य निर्धारित जो होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैं सेंसरी मोटर एज स्टेज आपको थोड़ा और बता देती हूँ। ठीक है, संवेदी, बेसिकली संवेदी प्रेरक स्टेज हो गई है। सो रिफ्लेक्स एक्ट्स होते हैं हमारे, एकदम से क्या हुआ कि मुझे नहीं पता कैसा है तो मैंने एकदम से गर्म पे, ये क्या हुआ हमारा रिफ्लेक्स एक्ट हो गया। ठीक है, गर्म पे हाथ लगाते ही मेरा क्या आया, रिफ्लेक्स आया, परिवर्तित आया हमारा। ठीक है, फिर आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, कि भाई कुछ भी कर दो बच्चा खुश हो जाता है, थोड़ा बहुत पीकअबू कर दो उसे लगता है भाई ही नहीं यहाँ पे कोई है ना। सो व्हाट इज इट, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं। फिर सेकेंडरी रिएक्शंस के अंदर होता है कि भाई जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट कंटिन्यू होती है, भाई अपना बड़ा होता है बच्चा इसके अंदर। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है ये चाइल्ड ग्रोथ की, कौन सी, सेंसरी मोटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको लिख लेना कहीं, ये चाइल्ड ग्रोथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि भाई गोल्स को परस्यू करता है, छोटे छोटे गोल्स को, छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे कि पॉटी ट्रेनिंग हो गया, 6 मंथ्स पे उसने अपना फर्स्ट फूड आइटम लिया। सो ये क्या है, छोटे छोटे गोल ओरिएंटेड स्टेजेस हैं। ठीक है, अपने सराउंडिंग्स को समझ रहा होता है, छोटे छोटे माइलस्टोन्स है, चलना एक माइलस्टोन है 0 to 2 years में। ठीक है, सो एंड सिम्बॉलिक थॉट होते हैं। ठीक है, विजुअलाइज करते हैं, देख तो सकते नहीं है तो विजुअलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। सो ये क्या है, हमारा सेंसरी मोटर स्टेज था। ठीक है, संवेदी प्रेरक चरण। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, आज तो भाई पियाजे जी की थ्योरी बिल्कुल रॉकिंग हो रखी है, बार बार उसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पियाजे जी की थ्योरी का, कि अकॉर्डिंग टू पियाजे द एबिलिटी टू सॉल्व कॉन्वर्जेशन प्रॉब्लम्स, जो कॉन्वर्जेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो किस पे डिपेंड करता है, 3 basic concepts को, आइडेंटिटी, कॉम्पनसेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, और जो स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फोकस ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन अ सेट ऑफ ग्रुप,
एंड द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये क्या कह रहा है, जो स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कहता है कि सिंगल ऑब्जेक्ट पे नहीं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे उसका फोकस होता है. ठीक है, देखते हैं कि आपको इसका आंसर बता पाते हैं या नहीं बता पाते. आंसर का वेट हो रहा है. जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने नीचे भी दिया है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैं अपने आप को थोड़ा हिला के देखती हूँ. यस, देखिए 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 क्या आप इसका जवाब दे पा रहे हैं. कमेंट बॉक्स में मैं जवाब देखूंगी आप सबकी कि आप सब कितने अच्छे जवाब दे रहे हैं. ठीक है, और कुछ भी डाउट है किसी भी आपको थ्योरी में जो आज हम कर रहे हैं, किसी भी थ्योरी में कितना थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरीज, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको पोस्ट करिएगा, ताकि मैं आपके जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है, उसको सॉल्व कर पाऊँ. इसका आंसर देखते हैं. तो जिसने भी इसका आंसर थर्ड लिखा है वो एकदम सही है. जो हमारा पहला है वो एकदम सही है, बल्कि स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन तो इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है, ग्रुप पे डिपेंड नहीं करता, ग्रुप पे डिपेंड नहीं करता. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर्स बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट माइक्रो सिस्टम कंस्टिट्यूट्स, हमारा माइक्रो सिस्टम, ये बहुत ही बड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है. ये माइक्रो सिस्टम वाला ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. ये काफ़ी बार आ चुका है कि हमारे माइक्रो सिस्टम में कौन है, हमारे मैक्रो सिस्टम में कौन है. ये हमने आपने पढ़ा था जोन्स ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लास्ट क्लास में, कुछ कुछ जोन्स से ही रिलेटेड है. आपको हिंट दिया, कुछ कुछ जोन से ही रिलेटेड है ये. देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है. इमीडिएट फैमिली, जो हमारे बिल्कुल पास की जो हमारी फैमिली हो गई, जो परिवार हो गया हमारा, स्कूल हो गया हमारा, हमारे बिलीव्स, हमारी जो आस्थाएं हैं वो, कस्टम्स, जो हमारे रीति रिवाज हैं, कस्टम्स आर रीति रिवाज, एंड नेबरहुड, हमारा जो आस पड़ोस है. ठीक है, तो इनमें से बताना है कि हमारे माइक्रो सिस्टम में कौन आते हैं. ठीक है, देखते हैं क्या किसने सही जवाब दिया है. तो जिसने भी थर्ड जवाब दिया है, ए बी ई, हमारी फैमिली, हमारा स्कूल और हमारा नेबरहुड हमारे माइक्रो सिस्टम में आता है. ठीक है, देखते हैं क्या कहता है ये हमारा. आई होप ये आपको दिख रहा होगा. तो हमारे ब्रॉनफेनब्रेनर जी ने दिए थे, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी इन्होंने. सो इसके अंदर इन्होंने क्या बोला था कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, और ना बहुत सारे रिलेशनशिप्स पे जिससे वो इंटरैक्ट करता है. हम ऑब्वियसली, अब मैं जिस टाइप के लोगों से इंटरैक्ट करती हूँ, मेरा मानसिक, जो मेरी मानसिकता है वो उसी टाइप की डेवलप होगी, राइट. सो सिमिलरली छोटे बच्चे का भी वैसा ही है. तो वो ना उसके जो अफेक्ट होते हैं ना, जो उसके रिलेशनशिप होते हैं, वो कई मल्टीपल लेवल पे अफेक्ट होते हैं. उसके सराउंडिंग्स कैसे हैं, इमीडिएट फैमिली, स्कूल, ये कल्चर कैसा है, क्या लॉज चल रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, सो हमारे जो छात्र हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ उनके इमीडिएट एनवायरनमेंट में नहीं देखना कि उसके माता पिता कैसे हैं, बट उसके लार्जर एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरैक्शन है वो भी हमें ही देखना है. कि लार्जर एनवायरनमेंट मतलब कि एनवायरनमेंट एज अ होल के साथ उसका कैसा इंटरैक्शन है. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो ये पर्सन का एनवायरनमेंट है ना, किसी भी एक पर्सन का जो उसका एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो वो कितने उसमें हो सकता है. एनवायरनमेंट मतलब जो उसका पर्यावरण है वो 5 भागों में, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में डिवाइड हो सकता है. ठीक है, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम. ठीक है, ये 5 टाइप के हैं. अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे 5 टाइप के कौन कौन से, माइक्रो सिस्टम, उसके बाद आता है हमारा मेसो सिस्टम, फिर आता है हमारा एक्सो सिस्टम, फिर आता है हमारा मैक्रो सिस्टम एंड फिर आता है हमारा क्रोनो सिस्टम. ठीक है, क्रोनो सिस्टम. तो अब एक एक करके देखते हैं. आप देख रहे हो ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है. तो माइक्रो सिस्टम में कौन आ गया, एकदम बिल्कुल क्लोज वाले लोग. ठीक है, कौन कौन आ गया माइक्रो सिस्टम में, उसके पेरेंट्स आएंगे, फैमिली आएगी, हाँ जी आएगी. ठीक है, डे केयर फैसिलिटी आएगी ना, रोज जाता है अगर, तो डे केयर फैसिलिटी भी आएगी. स्कूल आएगा,
उसके पियर आएंगे कॉलेज जो उसके सॉरी कॉलेज बोल रही हूँ, जो उसके स्टूडेंट्स के स्कूल वाले हैं या जो भी हैं, तो वो भी आएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये माइक्रो सिस्टम है, हमारी फैमिली हो गई, हमारे पियर हो गए, हमारे स्कूल हो गए, हमारी डे केयर फैसिलिटी हो गई, हमारा नेबरहुड, मैं खेलने जाती हूँ बच्चों के साथ, पड़ोस के बच्चों के साथ, तो वो क्या हो गया, हमारा नेबरहुड, ठीक है। तो ये हमारा क्या डेवलप करते हैं, हमारा माइक्रो सिस्टम डेवलप करते हैं। अगर मैं इनसे और थोड़ा खुल जाऊं तो आएगा हमारा मेसो सिस्टम, क्या आएगा, मेसो सिस्टम। और थोड़ा बाहर जाऊं मतलब दूर बाहर के दोस्त रिश्तेदारी हमारे मेसो सिस्टम में आ गए, और थोड़ा बाहर जाऊं तो हमारा आता है एग्जो सिस्टम। एग्जो सिस्टम के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट आ गई, मीडिया आ गई, ठीक है, हमारी हमारे पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पैसा, ठीक है, वो आ गया। हमारी गवर्नमेंट की कौन कौन सी एजेंसीज है, उनका क्या क्या चल रहा है, वो आ गया। स्कूल का बोर्ड हो गया, तो ये सब क्या है, हमारे एक्सो सिस्टम, एक्सटेंडेड फैमिली जो हो गई, ठीक है। फिर आता है हमारा मैक्रो सिस्टम, इसके अंदर आता है हमारे एटीट्यूड एंड आइडियोलॉजीज आते हैं हमारे कल्चर के। फिर आता है बेसिकली क्रोनो सिस्टम, इसके अंदर है ना हमारा भाई भारी मात्रा में बिल्कुल चेंज हो रहा है, बिल्कुल दूर जो क्रोनो सिस्टम है, बहुत दूर, उनसे हम रेयर सेल्डम ही मिलते हैं, मैं उन्हें जानती भी नहीं, ठीक है। तो वह है हमारे क्रोनो सिस्टम में। दोबारा से एक बार ही देख लेते हैं कि क्या चीज़ क्या है। जो माइक्रो सिस्टम है उसके अंदर हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे टीचर, हमारे स्कूल के आपस के दोस्त, स्कूल के साथी, ये सब आते हैं। मेसो सिस्टम में क्या आता है, मतलब कि जो भी चाइल्ड के पेरेंट्स और टीचर के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रही है, कोई थोड़े पियर और उनके सिबलिंग के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रही है या उनके बीच में कुछ बातचीत हो रही है, तो वो क्या है, हमारा मेसो सिस्टम। फिर आता है हमारा एग्जो सिस्टम। एग्जो सिस्टम में क्या होता है कि भाई हमारे सोशल इनफॉर्मल और फॉर्मल स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि उनका क्या इफेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह का क्या इफेक्ट है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है तो उसका क्या इफेक्ट है, ठीक है। फिर आता है मैक्रो सिस्टम, हमारे कल्चरल से जो रिलेटेड होते हैं कि भाई हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हमारी एथनिसिटी क्या है, हम किस कस्टम है, हमारा क्या कस्टम है, हमारा क्या बिलीफ है, इन सब पे बेस्ड है क्या, मैक्रो सिस्टम। और लास्ट आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एनवायरमेंटल चेंज, भाई जिनका हमारी लाइफ पे कुछ इफेक्ट आ सकता है, लाइक वॉर हो रही है, बहुत इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं है, कहीं बाहर वॉर हो रही है, मेरी फैमिली पे क्या इफेक्ट आ रहा है उसका, वो क्या है, हमारा क्रोनो सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने पढ़े यूरी ब्रॉनफेनर्स के, हमने क्या पढ़े, बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन का क्या क्या डेवलपमेंट है, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। अब आता है हमारी नेक्स्ट, एरिक एरिक्सन की स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट एरिक एरिक्सन की, ठीक है। एक और भी है एरिक एरिक्सन की थ्योरी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िएगा। इसके अंदर है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। मतलब कि भाई बेसिक ट्रस्ट है, विश्वास है या नहीं है, अविश्वास है। फिर आता है इंडस्ट्री, जो हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, वर्सेस इंफीरियोरिटी, मतलब कि कम आंकना वाला, ठीक है। इंटिमेसी, आत्मीयता या फिर एकाकीपन, आइसोलेशन, ठीक है। जनरेविटी मतलब कि उत्पादकता या फिर वर्सेस स्टैग्नेशन, या कुछ नहीं हो रहा, गति रोग हो गया है। फिर आ गया है इसके किससे रिलेटेड है, पेरेंटिंग से, लव से, स्कूल से या फीडिंग से। देखते हैं आप कौन कौन इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। सो जिसने भी इसका आंसर थर्ड दिया है, यानी कि बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कब होता है, कौन से स्टेज पे होता है, हमारे स्कूल के स्टेज पे होता है, हाँ जी ठीक है, या फिर फीडिंग स्टेज पे होता है, फीडिंग स्टेज पे होता है, ठीक है। फिर आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फियोरिटी, ठीक है, वो कौन सी स्टेज पे आता है, हमारी स्कूल की स्टेज पे आता है। इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये तो पता ही है हमें, कौन सा, लव रिलेशनशिप्स होता है, ठीक है। जेनरेटिविटी जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये हमारा पेरेंटिंग या मेंटरिंग स्टेज पे आता है, ठीक है। तो एरिक एरिक्सन्स ने कितने 8 चरण दिए हैं, 8 स्टेजेस दिए हैं आपने, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख भी सकते हो कौन कौन से स्टेजेस दिए हैं। सो पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, कौन से होते हैं, इन्फेंट,
इन्फेंट एजेस में होता है, ठीक है, जब फीडिंग एज है बेसिकली, ठीक है। सो मतलब ट्रस्ट बनाना, वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहा होता है या एक अविश्वास होता है, ठीक है, कि अच्छा ये ऐसे होता है, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता, तो उसको कुछ पता नहीं है किस पे विश्वास करे किस चीज पे ना करे। तो क्या है, ट्रस्ट बनाना वर्सेस अविश्वास, ठीक है। दूसरा आता है हमारा एंटनी वर्सेस शेम एंड डाउट। जब वो 18 मंथ से 3 इयर्स तक का हो जाता है, तो वो होता है कि भाई स्वायत्तता बनाना या फिर शर्म और संदेह, मतलब उसे लगने लगता है यार ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये कब होता है, टॉडलर एज में, ठीक है। फिर वो प्री उसमें आ जाता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिफ्ट आ जाता है, पहल करना और उसको क्या मिलता है उस पहल के लिए, उसको गिफ्ट मिलता है कि अच्छा आपने ये पहल करी, वेरी गुड। तो वो क्या है, प्री टॉडलर, ठीक है, प्री स्कूलर, सॉरी। फिर आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फियोरिटी, जो हमने पढ़ा वो ग्रेड स्कूलर के अंदर आ जाएगा, कि हमारे अंदर एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आना शुरू हो जाता है। कौन से एज में आ जाता है ये, लगभग हमारी 5 से 13 साल के इसमें। फिर आता है इंडस्ट्री आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जब आप टीनेजर हो जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि यार मेरे को ये बनना है, कैसे बनना है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ओर लग जाते हो। तो वो क्या है हमारा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, कि हम अपने आप को एक आइडियल को पकड़ लेते हैं कि हम ये भी पसंद है ये भी पसंद है, तो हम उनकी तरफ जाने, तो हम अपना रोल के उस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम कैसे करें क्या करें, मतलब एक क्लियर नहीं हो पाता टीनेजर, है ना, कन्फ्यूजन में रहता है। फिर आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, कि भाई इंटीमेसी यहाँ पे क्या है, लव रिलेशनशिप से, कि भाई किसी के साथ हम लोग जुड़ पा रहे हैं लोगों से या नहीं जुड़ पा रहे, ठीक है। तो ये यंग एडल्ट्स में ज़्यादा होता है। फिर आता है मिडल एज एडल्ट, उनके अंदर आता है जेनरेविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, कि अब हमारी क्या लाइफ ऐसे हो गई है, स्टैग्नेंट हो गई है, रोज़ वही का वही हो रहा है। फिर आता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये किस में होता है, ओल्डर उसमें होता है, ठीक है, उनके अंदर होता है कि सत्यनिष्ठा बनाना या फिर निराशा, अगर सत्यनिष्ठा नहीं मिली तो उन्हें निराशा होती है वो, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे एरिक एरिक्सन के, ठीक है। सो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में क्या कहता है, कि मैं क्या वर्ल्ड को ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है कि जो चाइल्ड जो बच्चा है वो एक डेवलप करता है सेंस ऑफ ट्रस्ट वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, और इसका अनसक्सेसफुल आउटकम क्या है, अगर उसे नहीं मिला तो वो डिस्ट्रस्ट करने लगता है वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है। फिर आता है एंड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, सो ये 2 से 4 साल के उसमें होता है। तो वो ये कहता है कि कैन आई डू थिंग्स माई सेल्फ, क्या मैं खुद से कर सकता हूँ या मुझे दूसरों पर रिलाई होना है, ठीक है। तो इसके अंदर विल पावर इसमें लगती है, ठीक है। तो इसके अंदर ना जो बच्चे होते हैं वो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डेवलप करते हैं एंड पर्सनल कंट्रोल भी करते हैं। सो वो ऐसी अगर नहीं वो खुद से कर पा रहे तो उन्हें लगता है कि यार शेम ऑन मी, वो तो कर रहा है मैं तो नहीं कर पा रहा, तो एक शेम का क्या मैं कर पाऊंगा, एक डाउट शेम ये सब आ रहा है आपके पास, ठीक है। फिर आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, वो 4 से 5 साल के बच्चों में होता है। फिर आते कि इज इट ओके फॉर मी टू डू थिंग्स, क्या मैं ये कर सकता हूँ। इसी स्टेज के अंदर गुड एंड बैड का भी आपको सिखाया जाता है, ठीक है, गुड एंड बैड का डिफरेंस भी आता है, पर्पस आता है, मोटिवेशन आता है, ठीक है। अगर नहीं हुआ, अगर कुछ बुरी चीज मुझे पता लगी कि जो मैंने करी वो चीज बुरी थी, तो क्या मेरे अंदर गिल्ट आएगा, जी हाँ मेरे अंदर गिल्ट डेवलप होने लग जाएगा। फिर आता है 5 से 12 साल के बच्चों में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, हाउ कैन आई बी गुड, मैं कैसे अच्छा बन सकता हूँ या मैं कैसे अच्छी बन सकती हूँ, ठीक है। सो अगर सक्सेस मिली, मैं चीज़ें खुद से कर पा रही हूँ, फर्स्ट आ रही हूँ क्लास में, ये सब हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये मेरे को फीलिंग्स ऑफ कॉम्पिटेंस आ रही है मेरे अंदर, लेकिन अगर नहीं तो मैं इन्फियोरिटी फील कर रहा हूँ, दूसरों से नीचा फील कर रहा हूँ, तो वो क्या है हमारा, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। फिर आता है नेक्स्ट आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, 12 से 19 साल के बच्चों में होता है, कि मैं कौन हूँ, ठीक है। टीनेजर्स मैंने आपको बताया कि डेवलप कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, अगर उनको नहीं समझ में आता ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि मैं क्या करें कैसे करें, तो ये इसका क्या है, अनसक्सेसफुल आउटकम है। फिर आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 20 से 40 साल के, कैन आई लव एंड बी लव्ड, क्या मैं प्यार कर सकता है और क्या आई एम केपेबल ऑफ लव, क्या मुझसे कोई प्यार करेगा, एम आई दैट पर्सन जो मेरे को जिससे लोग जुड़ना चाहें, ठीक है। तो वो इंटीमेसी से रिलेटेड है।
ये जरूरी नहीं है कि लास्टिंग लविंग एंड लास्टिंग रिलेशनशिप्स की बात करिए तो ये लव रिलेशनशिप्स की बात ही है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे सारे कि हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हैं हम, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट इज टीन्स में मर्ज फ्रॉम दिस स्टेज एंड नॉट श्योर हु दे आर। अब उनको सॉरी फेलियर ऑफ दिस स्टेज कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, कि मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, आई एम वेरी आइसोलेटेड, आई एम वेरी लोनली इन दिस। ओके, नेक्स्ट आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। मैंने बताया कि मैं वर्ल्ड को कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्या एक स्टैग्नेंट लाइफ तो नहीं चल रही मेरी, एक जैसी तो नहीं चल रही, मैं अनइन्वॉल्व तो नहीं हूँ अकम्पलिशमेंट्स में, ठीक है। सो ये अगर हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड की तरफ तो हमारे अंदर एक अकम्पलिशमेंट आता है, जनरेटिविटी, कि भाई मैंने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया। फिर आता है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये 65 एंड अबव का होता है कि भाई मैंने जो जीवन जी लिया मेरे विजडम के बेसिस पे, क्या ये अच्छा था जीवन जो मैंने जिया। रिग्रेट्स भी आ जाते हैं अगर उन्होंने कुछ चीज़ नहीं करी होती, अगर वो अपने पीछे देखें, व्हेन ओल्ड एडल्ट्स लुक बैक तो उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। अगर उनको वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं, वो कहते हैं ना, आपने देखी होगी थ्री इडियट्स मूवी, कि किसी बेड पे पड़े हो तो ये ना सोचे हो कि काश उस समय वो कर लिया होता। सो अगर वो काश वाला आता है तो वो क्या होता है, डिस्पेयर, एक निराशाजनक जीवन का वो आता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच लेवल ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग पे स्ट्रक्चरिंग गाइडिंग और स्ट्रक्चरिंग गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग, हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनके व्यवहार को निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों को प्रबलता होती है, ठीक है। कौन सा मतलब कि संचारना, निर्देशन और जो उनके व्यवहार हैं, स्टूडेंट्स बिहेवियर है, उसको बहुत क्लोजली सुपरवाइज करते हैं हम, तो वो ऑटोनोमस है, रिफ्लेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है या मेमोरी लेवल है, स्टेजेस ऑफ वो है ये लर्निंग। सोचिए 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 सोचिए, देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको थ्योरी समझनी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। एंड अगर कोई कमेंट एंड नेक्स्ट हम उसमें लेकर आने की कोशिश करेंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आपको इशू है। अगर आपको किसी टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में इशू है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट PYQ में उसी से रिलेटेड हम लेके आएंगे, ताकि हम वो टॉपिक भी डिस्कस कर पाए और देख पाए कि उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जिसने भी मेमोरी लेवल बोला इसका आंसर, वो बिल्कुल एकदम सही है। सो शिक्षा के लेवल्स के लेवल टीचिंग के तीन होते हैं स्तर, कौन कौन से, स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। कि भाई स्मृति मेरे दिमाग से कि मुझे कितना याद रहा है, रोट लर्निंग की बात करता है मेमोरी लेवल, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कितना समझ में आ रहा है, बौद्ध स्तर कि भाई मैंने जो पढ़ाया, जो मैंने पढ़ा, जो पढ़ाया जा रहा है वो मुझे कितना समझ आ रहा है, और चिंतन क्या मैं उस पर क्या रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर क्या होता है कि जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है ना, वो बस दिए जाते हैं आपको, ठीक है। ये टीचर सेंटर्ड होता है। आज ही हमने क्लास ली थी एक टीचर सेंट्रिक उसकी, तो आप प्लीज़ देखिएगा कि टीचर सेंटर्ड कौन से होते हैं। सो ये टीचर सेंटर्ड होता है, इसके अंदर ना सिंगल वन वे कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ठीक है। मैंने बताया, आपने कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, उन्होंने नोट डाउन कर लिया, और ये किस गोल से पढ़ाया जाता है, ताकि इसमें रिप्रोड्यूस कर पाए वो, ठीक है। क्या कर पाए, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको याद कर पाए। मैंने आपको एक वो लिखवाई, रोट लर्निंग, ठीक है, रट्टा, उसका रट्टा मार पाए एंड उसको रिप्रोड्यूस कर पाए। कब रिप्रोड्यूस कर पाए, एग्जाम्स के टाइम पे उस चीज को रिप्रोड्यूस कर पाए। तो ये किसमें आता है, हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आता है, ठीक है। आई होप ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लर्निंग ऑफ अ सिक्स लेवल हायरार्की। अभी हमने पढ़ा है ये सिक्स लेवल हायरार्की, सिक्स लेवल किसकी टैक्सोनॉमी में है, ब्लूम की, सोलोमन की, ब्रिग्स की या गैगने की,
ठीक है, सिक्स लेवल, छह स्तर हैं उसके अंदर। सोचिए सोचिए सोचिए, हिंट मैंने आपको दे दिया एक बहुत बड़ा, अभी दोबारा नहीं दूंगी हिंट आपको। वो अगर किसी को हिंट चाहिए तो वो एक तीन चार सेकंड पीछे करके देख सकता है कि क्या हिंट दिया है मैम ने। प्लीज इसका आंसर दीजिएगा। सो इसका आंसर है ए। जिस जिसने भी ए दिया है वो एकदम सही है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसका बिल्कुल सही जवाब है। छह हमने देखे थे ना, कौन कौन से, क्रिएट करना यानी कि सृजन, जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसी से क्रिएट करेंगे कुछ नया, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, उसको समझेंगे एंड देन उसको याद करेंगे। मैंने अभी इसी क्लास में पहले बहुत डिटेल में समझाया, इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। हमारी जो ये आज मैंने ली है ना, ब्लूम की, पियाजे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज में आती है हमारी, इससे क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। ठीक है, तो इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ के जाने की ये क्या कहती हैं, कौन से स्तर हैं, कितने स्तर हैं। ठीक है, सो ये हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, ब्लूम की, पियाजे जी की, और भी हम थ्योरीज लेके आएंगे नेक्स्ट उसमें। फिर हम, मैं उसके बेसिस पे आपको बताती रहूँगी कि ठीक है हमारे PYQs में एक्चुअली आ रहा है और कैसे आ रहा है। आपको ये भी पता लगेगा कि आपको सॉल्व कैसे करने हैं ये। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कि जो फील्ड ऑफ स्टडी इन विच ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिटर्मिंड लर्निंग, खुद से सेल्फ डिटर्मिंग, खुद से केंद्रित निर्धारित, दैट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ टू लर्न, किस पे फोकस करता है कि कैसे लर्न करना है। ठीक है, आज मैंने इससे रिलेटेड एक जो ली थी क्लास, फुल क्लास, जिसने मेरी फुल क्लास देखी हो तो उसके अंदर मैंने आज एक उन्हें नई चीज पढ़ाई थी, वो थी ह्यूरिस्टिक लर्निंग। क्या पढ़ाई थी एक नई चीज, ह्यूरिस्टिक लर्निंग। अब देखते हैं, पहले इसका बताइए जवाब, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये भी जो एपिस्टेमोलॉजी, एंड्रोगॉजी, पेडागॉजी और जो हमारी ह्यूटागॉजी है, इस ये भी इंपॉर्टेंट है। पेडागॉजी तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है, इससे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सो अब देखते हैं आप में से कौन इसका सही जवाब दे पाता है। जिस जिसने भी ह्यूरिस्टिक से हिंट लेके ह्यूटागॉजी करा है वो बिल्कुल सही थे। सो बेसिकली ह्यूटागॉजी के अंदर ना सेल्फ डिटर्मिंड लर्निंग होती है, और ह्यूरिस्टिक लर्निंग मेथड में भी यही होता है कि ना टीचर का कोई रोल नहीं होता, नो रोल ऑफ टीचर होता है उसके अंदर। मैं आपको बता ही देती हूँ इधर भी, ठीक है, इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता। सो इसके अंदर क्या करते हैं, स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करती है टीचर, एक प्रॉब्लम है वो टीचर देगी स्टूडेंट को, एंड स्टूडेंट खुद ट्रायल एंड एरर से, स्टूडेंट्स खुद किससे, ट्रायल एंड एरर, सेल्फ डिटर्मिंड लर्निंग बोला ना, ट्रायल एंड एरर से उसका आंसर निकालते हैं जो प्रॉब्लम टीचर ने प्रेजेंट करी है, किसमें, ह्यूरिस्टिक टीचिंग में। सो ह्यूटागॉजी भी सेम ही है, सेल्फ डिटर्मिंड है, ट्रायल एंड एरर, सेल्फ एडजस्टिंग है, बार बार एडजस्ट करते रहते हैं हम उस बेसिस के ऊपर। फिर आता है हमारा सबसे पहला है पेडागॉजी। पेडागॉजी कौन सा होता है, देखो ये लेवल्स है, पहले पेडागॉजी है सबसे, टीचर ओरिएंटेड, ठीक है, जो टीचर बताएगा, लेक्चर मेथड हो गया, जैसे हमारा टीचर ने आया उसने बताया, ये क्या है, रिसेप्टिव मोड है, जो स्टूडेंट्स है वो बैठा है, जो टीचर बता रहा है वो उसे रिसीव कर रहा है, दैट्स इट, वो क्या है हमारा पेडागॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड्रोगॉजी, ये भी सेल्फ डायरेक्टेड होता है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन मैम आप कह रहे हो ये भी सेल्फ डायरेक्टेड है और ह्यूटागॉजी भी सेल्फ डिटर्मिंड है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। जो एंड्रोगॉजी है, एंड्रोगॉजी इज नथिंग बट अडल्ट लर्निंग, याद रखना इसे, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जो मैं आपके लिए लिखती हूँ यहाँ पर, इसको याद रखिएगा कि क्या, किस कीवर्ड से भी याद रखना, क्योंकि कई कई बार वो कीवर्ड से भी पूछ लेता है। ठीक है, सो एंड्रोगॉजी इज एडल्ट लर्निंग, तो इसके अंदर क्या होता है कि ना इंस्ट्रक्टर होता है, एक इंस्ट्रक्टर हो गया, टीचर हो गया, वो गाइड करता है कि अच्छा आप इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं बताता। पेडागॉजी में तो टीचर लेड है, वो पूरा बता ही रहा है कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है। एंड्रोगॉजी में वो गाइड करता है कि ये प्रॉब्लम है और इसको ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ह्यूटागॉजी, मैंने आपको बताया उसके अंदर सेल्फ डिटर्मिंड होता है, खुद ट्रायल एंड एरर से सेल्फ एडजस्ट कर करके लर्नर सीखता है। ठीक है, सो जो पेडागॉजी में डिपेंडेंस होता है, लर्नर ना डिपेंड होता है किसके ऊपर, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है। और इसके अंदर एंड्रागॉजी में अडल्ट लर्निंग हो गया बेसिकली, देखो पेडागॉजी हो गई चिल्ड्रन लर्निंग, एंड्रागॉजी हो गई अडल्ट लर्निंग, ह्यूटागॉजी हो गई सेल्फ डायरेक्टेड, खुद से सीखने की, ठीक है। सो इसके अंदर किस पे होता है, सेल्फ डायरेक्शन तो होता है लेकिन इंडिपेंडेंट होते हैं, गाइड करता है टीचर, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होते हैं, नो गाइड, नो रोल ऑफ टीचर होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा रिसोर्सेज फॉर लर्निंग, ठीक है। इसके अंदर फ्यू रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि जो टीचर ने ट्रांसमिशन किया वही किया। इसके अंदर एडल्ट्स हैं तो उनके पास अपने खुद के ओन एक्सपीरियंसेस भी हैं और औरों के एक्सपीरियंसेस भी हैं, सो वो उसको भी यूज़ करते हैं एज अ रिसोर्स, ठीक है। ह्यूटागॉजी के अंदर कि कुछ टीचर हैं वो सम रिसोर्स देते हैं, बट टीचर बता रहे कि ये रिसोर्सेस हैं, बट लर्नर की मर्जी है वो करे ना करे, उसे यूज़ कैसे करे, कहाँ करना चाहिए, वो सब लर्नर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर ये है रीजंस क्या हैं इनके लर्निंग के, सो इसमें है कि भाई वो नेक्स्ट स्टेज लर्निंग पे जा पाए, कि भाई नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच पाए, अडल्ट लर्निंग कि भाई अपने एक्सपीरियंस से लेके नए नए चीज़ें को डेवलप करना सीखना उनसे, ठीक है। और ह्यूटागॉजी में वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आती है उनके अंदर, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हमने जो पढ़ी थी, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के भी आती है इससे। फिर आता है कि इसमें फोकस ऑफ लर्निंग क्या है, कि भाई सब्जेक्ट आना चाहिए, जो भाई सब्जेक्ट सेंटर्ड है, ये मैं पढ़ा रही हूँ, ये ऐसे ऐसे सॉल्व होता है, इसका मतलब ये है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है। और ये एंड्रागॉजी है जो अडल्ट लर्निंग है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और ह्यूटागॉजी है ये बियॉन्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। ये प्रोएक्टिविटी है जो स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देती है, क्या देती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो क्या वो डिफरेंट सिचुएशन में दोबारा से अगर उनके ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो उस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे, यस, उसके चांसेस ह्यूटागॉजी में ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने पहले ट्रायल एरर से किया, तो उन्हें पता है कि ये चीज़ नहीं अप्लाई होगी, ये चीज़ कर पाएंगे, ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। सो आई होप आपको पेडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र, एंड्रागॉजी अडल्ट लर्निंग या फिर एंड ह्यूटागॉजी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये ICT इन उस पे है, ये आपकी यूनिट 3 का पार्ट है, ICT इन टीचिंग आता है ना एंड लर्निंग। सो LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम provides a virtual environment for teachers and students. LMS can be used for blended learning as well as online learning. ये कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से, कि ब्लेंडेड लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग दोनों के लिए सही है और एक ये वर्चुअल एनवायरनमेंट देता है। सो जिसने भी इसका आंसर फर्स्ट दिया है 1, वो एकदम सही है, इसका फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट है। सो LMS क्या होता है बेसिकली, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर जैसा होता है, आपको अगली बार मैं दिखाऊंगी भी कैसा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, सारे मटेरियल, क्विज, अगर आपने कभी देखा हो और यहाँ पे भी होता है, तो क्या होता है कि क्विजेज हैं, कोर्सेज हैं, क्लासेस भी उसी पे हो रही है, अटेंडेंस भी उसी पे लग रही है, सारे मटेरियल भी उसी पे हैं, तो सब क्या है, सब एक चीज़ एक तरफ है। लर्नर भी आ सकता है वहाँ पे रिसोर्सेज के लिए, टीचर भी आ सकता है वहाँ पे रिसोर्सेज के लिए, तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी और आपको चाहिए कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कुछ भी डाउट है या अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड आप कोई भी वीडियो मिस ना करें इम्पॉर्टेंट PYQs की, तो इसलिए सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।